अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हवाले से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में फर्स्ट नेचुरल स्टेप जो बनता है वो सोशल प्रॉब्लम का एनालिसिस है सोशल एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया तो है या उसने एक मिशन जो है उसको अपने लिए सेटल कर लिया है कि मुझे ये चीज़ करना है लेकिन उसको अपने आप से सीरियसली कुछ क्वेश्चंस रियलिस्टिकली लॉजिकली पूछने की ज़रूरत होती है मसलन ये कि उसके पास जो आइडिया है वो किस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ठीक है आइडिया और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए फिर सोशल एंटरप्रन्यर को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में और उनके साथ इंसान जो हैं वो सदियों से रहते चले आ रहे हैं तो आज ऐसी क्या बात है क्या उसके पास एक आइडिया का होना काफ़ी जस्टिफिकेशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कम्युनिटी में ख़्वाहिश है ज़रूरत है सोसाइटी को कि उस मसले को हल किया जाए इसी तरह यह उसको सोचने की ज़रूरत है कि मसले का स्केल क्या है कितना बड़ा प्रॉब्लम है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पैशन अपने एम्बिशन में एक इतने बड़े मसले को उठा ले कि कल को फिर वो उसको हैंडल ना कर सके इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज नीड्स तो सोशल एंटरप्रेन्योर को एक रियलिस्टिक एनालिसिस उसके स्केल का करने की ज़रूरत है और फिर ऑफ कोर्स अगर ये मसला हल हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि रिमेंबर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द चेंज द डिफ्रेंस डेट इट विल मेक टू दर्ल्ड तो दुनिया में क्या तब्दीली आएगी क्या बेहतरी आएगी अगर वह मसला हल हो जाएगा तो ये तो वो चंद जर्नल क्वेश्चन हैं जो सोशल इंटरप्रन्योर अपने आइडिया के साथ पूछता है अपने आप से अपने इर्गिर्द मौजूद लोगों से जिनके साथ वो अपना आइडिया या अपना विज़न शेयर करता है लेकिन उसके साथ साथ, साथ सोशल इंटरप्रनीरशिप के लिटरेचर में पाँच कौर आइडियाज़ जो हैं या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि प्रॉब्लम एनालिसिस के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं सोशल एंटरप्रेन्योर टू बी जो है उसको सबसे पहले प्रेवलेंस का एलिमेंट एक्सप्लोर करने की या उसको एनालाइज करने की ज़रूरत प्रॉब्लम कहाँ पर है किस तरह का है उसकी कॉजेस क्या हैं किन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है और उसको हल करने की ज़रूरत जो है वो क्या है ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेवलेंस के एरिया में आ जाती हैं ये सारे क्वेश्चन या ये सारे इश्यूज़ इनका एनालिसिस उसके बाद क्वेश्चन आता है रेलेवेंस का रेलेवेंस वो कोर एरिया है जो सोशल एंटरप्रेन्योर को अपने आप से एक तरह से अपना एनालिसिस करना है प्रॉब्लम के हवाले से जो उसने आइडेंटिफाई की है क्या मेरे पास वो स्किल्स वो कॉम्पिटेंसीज वो नॉलेज वो एक्सपर्टीज़ हैं जो कि इस प्रॉब्लम को हल करने से रिलेटेड हैं अगर मेरे पास नहीं है तो वो लोग जिनके साथ मैंने अपना विजन शेयर किया है जो मेरे साथ वॉल्टियर करने को तैयार हैं या इस मिशन को शेयर करते हैं क्या उनके पास इस कस्म की कंपटेंसीज़ इस कस्म की स्किल्स नॉलेज मौजूद है जो रेलिवेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स दुनिया में लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता जब वो शुरू करते हैं लेकिन एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिक्वायर करता है कि रेलिवेंस का क्वेश्चन सोशल एंटरप्रेन्योर अपने आप के साथ करे और उसका जवाब देखने के बाद जो है वो अगला स्टेप ले तीसरे नंबर पर जो है वो एरिया है रेडिकलनेस का कि जो आइडिया या इनोवेशन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफर कर रहा है इस प्रॉब्लम को हल करने के हवाले से वो कितनी इनोवेटिव है वो कितना डिफरेंट आइडिया है उससे पहले जब भी लोगों ने उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की उन्होंने किस किस्म के आइडियाज़ किस किस्म की इनोवेशंस की, उनका क्या रिज़ल्ट रहा कामयाब हुए नाकाम हुए मिक्स्ड रिजल्ट्स रिजल्ट आए तो अब सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो जो करने जा रहा है वो किस कदर इनोवेटिव है कि जो पिछले आइडियाज़ थे एग्जिस्टिंग अगर कभी कोई थे तो वो उनसे एक फ़र्क चीज़ जो है वो कर सके और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उसके बाद नेक्स्ट जो कोर एरिया है वो है अर्जेंसी का सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें से बाज जैसे मैंने पहले कहा सदियों से मौजूद हैं और इंसान उनके साथ रह रहे हैं लेकिन बाज़ प्रॉब्लम्स जो हैं दे नीड एन इमीजिएट रिस्पॉन्स फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल डिजास्टर्स हैं इमरजेंसीज हैं मैन मेड एपिडेमिक्स हो सकती हैं और इस तरह के इश्यूज जो हैं जो कि इंतहाई अर्जेंट एक्शन रिक्वायर करते हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योर क्या इतना तैयार है कि वो उस अर्जेंसी को रिस्पॉन्ड कर सके क्योंकि यूजुअली जब हम आइडियाज़ के स्टार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं तो आराम आराम से सोचते हुए कि अच्छा ये कर लें वो कर लें ऐसे कर लें वैसे कर लें लेकिन बाजूक बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती जैसे सैलाब हैं जल्सले हैं अगर सोशल एंटरप्रेन्योर इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो उसके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है कि वो बैठ के सोच के उसे अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करना है और इस्टेब्लिश करना है कि वो इस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड कर सकता है और फिर एक्सेसिबिलिटी का एरिया है सोशल एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हुए इस बात को कंसिडर करना है कि जो प्रॉब्लम और उसका जो सोल्यूशन वो सोच रहे हैं किस कदर एक्सेसिबल है प्रॉब्लम की एक्सेसिबिलिटी और सोल्यूशन की एक्सेसिबिलिटी दोनों का एनालिसिस ज़रूरी है प्रॉब्लम की एक्सेसिबिलिटी से क्या मुराद है प्रॉब्लम की एक्सेसिबिलिटी से मुराद है फॉर एग्जांपल वो लोग जो उस मसले से इफेक्ट हो रहे हैं क्या वो आपको परमिट करते हैं वेलकम करते हैं कि एक बाहर से कोई आए सोशल एंटरप्रेन्योर और उनके प्रॉब्लम को हल करे? क्योंकि बाजुकात, एथनिक जेंडर एज और बेशुमार इस तरह के कंसर्न्स होते हैं जिनकी वजह से लोग अपने प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर नहीं करते या किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो उनको आके उनके बारे में बात करें या लेट लोन उनके बारे में कुछ करें इसी तरह एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स है क्या जो रिसोर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए खास तौर पर अगर उसमें पेटेंट कॉपीराइट या इस तरह की कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो क्या सोशल एंटरप्रेन्योर को एक्सेस है उन राइट्स तक उन चीज़ों तक उन रिसोर्स तक जो कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ज़रूरी हैं ये वो पांच कोर एरियाज हैं जिनके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से या प्रॉब्लम का एनालिसिस करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सोशल एंटरप्रेन्योर एज अ फर्स्ट स्टेप थैंक यू